o Alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushtra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908 and in this video we are going to discuss Order 11 of CPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 11 of CPC deals with the topic of discovery and inspection. अब इस ऑर्डर इलेवन में तीन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है सो हम तीन पार्ट में इस ऑर्डर को कवर करेंगे सबसे पहली बात है डिस्कवरी डिस्कवरी किस चीज की डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो के ऑपोजिट पार्टीज़ के पास हैं, उनकी डिस्कवरी उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड सेकंड है बाय इंटेरोगेट्रीज अब इन से क्या मुराद है इंटेरोगेट वर्ड से ही हम समझ रहे हैं यानी कि सवाल जवाब करना सो so, ऐसे फैक्ट्स जो के अनक्लियर हैं, जिनके बारे में हम क्लियरिटी नहीं है तो ऐसे फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए अब चाहे वो प्लेंटिव की प्लेंट के फैक्ट्स हैं या फिर डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट के फैक्ट्स हैं और वो क्लियर नहीं है तो दूसरी पार्टी इन फैक्ट्स को इन चीजों को क्लियर करने के लिए वो एक क्वेश्चन एयर देगी दूसरी पार्टी को एक सवालनामा भेजेगी जिनके अंदर वो इन फैक्ट्स के मुतालिक क्वेश्चन करेगी और अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करेगी अब जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट में कोई फैक्ट्स क्लियर नहीं है क्वेश्चन एयर भेजा जाएगा प्लेन्टिव की जानेब से इसी तरह प्लेंट में चीजें क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन एयर भेजा जाएगा डिफेंडेंट की जानेब से अब इसके साथ जो ऑर्डर 11 के रूल्स डील कर रहे हैं वो रूल वन से रूल 11 तक है जो कि हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंडली हम ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनके साथ जो रूल्स डील कर रहे हैं वो हैं रूल ट्वेल्व से रूल फोर्टीन तक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड जो पार्ट है ऑर्डर इलेवन का वो है इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कि अगर कोई पार्टी किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है अब वो कैसे करेगी इसका क्या प्रोसीजर है ये तमाम प्रोसीजर हमें बताया गया है रूल फिफ्टीन से रूल ट्वेंटी थ्री तक जो के होगा थर्ड पार्ट सो हम इसको अपनी तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे सो बेसिकली ऑर्डर अलेवन के इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये ऑर्डर इजीली आपको समझ में आ सके आज की जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक हो है, वो है पार्ट वन दैट इज बाय इंटरोगेशन रूल वन से लेकर रूल अलेवन तक हम आज डिस्कस करने लगे हैं सो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल वन से रूल वन को अगर हम देखें तो रूल वन में बात की गई है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेट्रीज रूल वन स्टेट्स दैट In any suit the plaintiff or defendant by the leave of the court may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite parties or any one or more of the parties and such interrogatories when delivered shall have the note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer अब पहली बात जो इस रूल के अंदर डिस्कस की गई है वो क्या है कि किसी भी सूट के अंदर अब चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है वही बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेंट के अंदर अगर कोई चीजें क्लियर नहीं है तो इंटरोगेटरीज जाएंगी डिफेंडेंट की तरफ से इसी तरह अगर डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में कोई चीजें क्लियर नहीं है तो इंटरोगेटरीज जाएगी प्लेन्टिव की तरफ से अब ये जो इंटरोगेशन आप कर रहे हैं कोई भी पार्टी वो एक क्वेश्चन एयर की फॉर्म में रिटन फॉर्म में होगा जिसके एंड पे बाकायदा आप ये चीज मेंशन करोगे कि जहां पर अगर किसी सूट के अंदर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और आप इनमें से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से उस फैक्ट के बारे में पूछना चाहते हो तो आप उस मेंशन करोगे उस स्पेसिफिकोगेटरीज आप ऑपोजिट पार्टीज को भेजोगे ये आपने विद द लीव ऑफ द कोर्ट भेजनी है विद द लीव ऑफ द कोर्ट से क्या मुराद है कि आपने कोर्ट को अप्लाई करना है अगर तो कोर्ट आपको परमिट करती है वो आपको अलाउ कर रही है फिर आप ये इंटरोगेटरीज भेजोगे सेकेंड पार्टी को सो so, आपने इंटरोगेटरीज भेजने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी है सो so, हमेशा रिटर्न फॉर्म में होंगी इसके एंड में उस पर्सन का नाम मेंशन किया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन करना चाहते हो अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो क्या कहती है प्रोवाइडेड नो पार्टी शेल डिलीवर मोर देन वन सेट ऑफ इंटरोगेटरीज टू दार्टी विदउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पज प्रोवाइजो में कहा है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई इंटरोगेटरी भेजी है कोई सवालनामा भेजा है दूसरी पार्टी ने उसका आंसर भी दे दिया ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिनों बाद आप एक नया सवालनामा तैयार करके उसी सेम पार्टी को भेजोगे प्रोवाइजो क्या कह रही है शेल का वर्ड है कंपल्सरी है कि जब एक बार सवालनामा भेज दिया तो दूसरी बार आप नहीं भेज सकते हाँ अगर कोर्ट आपको अलाउ करती है तो फिर आप भेज सकते हो इसी के साथ सेकेंड प्रोवाइजो Provided also that interrogatories which do not relate to any matter in question in the suit shall be deemed irrelevant notwithstanding that they might be admissible on the oral cross-examination of the witness. Proviso 2 mekahakiya. कि अगर तो आप दूसरी पार्टी को जो इंटेरोगेटरी भेज रहे हो वो किसी ऐसे फैक्ट से रिलेटेड हैं जो कि इवेंट है यानी कि आपने उनमें जो क्वेश्चंस किए हैं वो सूट के साथ रिलेट नहीं कर रहे जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसके साथ डील नहीं कर रहे तो ऐसी सूरत में वो तमाम क्वेश्चन एडमिजल नहीं है ऐसी इंटेरोगेट्रीज आप नहीं भेज सकते लेकिन अगर बाद में एविडेंस के टाइम पे आप चाहो तो उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो सो रूल वन सिंपली कहा गया है कि जहां पर फैक्ट्स क्लियर नहीं है जनरल रूल बता दिया कि जहां पर फैक्ट्स अनक्लियर हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंटेरोगे भेजेगी बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट सो परमिशन ऑफ द कोर्ट इज कंपलसरी इन दिस केस उसके बाद आ जाते हैं हम रूल टू के ऊपर रूल टू बात करता है पर्टिकुलर इंटेरोगेटरी टू बी सबमिटेड

आपने कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन के साथ बाकायदा वो सवालनामा तैयार करके कोर्ट में सबमिट करना है कोर्ट उस सवालनामे को चेक करेगी फिर उसके बाद आपको वो परमिट कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है So, in deciding upon such application, the court shall take into account any offer which may be made by the party sought to be interrogated to deliver the particulars to make admission or to produce the documents relating to the matter in question or any one of them, and the leave shall be given as to only such interrogatory submitted as the court shall consider necessary for disposing of the suit or for saving the cost. Up रूल टू में सेकंड बात की गई है कि जब ये इंटेरोगेट्रीज आप कोर्ट में सबमिट करोगे तो कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लेना है कि इस इंटेरोगेट्रीज के पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं आया पार्टी की तरफ से कोई ऑफर की जा रही है कोई एडमिशन किया जा रहा है किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है या कोई भी पार्ट है तो कोर्ट उस चीज का नोटिस लेने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस उसको इरेवेंट लग रहे हैं तो वो उन चीजों को निकाल देगी बाकी जो क्वेश्चन रेलिवेंट हैं, जो मैटर्स के साथ डील कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ उनको कोर्ट अलाउ करेगी और फिर उसके बाद आप अपना ये क्वेश्चन सबमिट करोगे ऑपोजिट पार्टी को सो रूल टू में डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बताया गया है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो चाहे तो कुछ क्वेश्चन को निकाल दे जो इनरेलीवेंट है और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको अलाउ कर दे उसके बाद आ जाती हैं हम रूल थ्री के ऊपर रूल थ्री बात करता है कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेट्रीज इन एडजस्टिंग दॉ दी सूट द इंक्वायरी शेल एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टी बी मेड इन टू दॉपर्ट्री ऑफ एग्जिबिटिंग सच इंटेरोगेट्रीज And if it is the opinion of the taxing officer or of the court, either with or without an application for inquiry, such interrogatories have been exhibited unreasonably, vexatiously, and improper length.

फर्स्ट पार्टी है भेजने वाली या जो रिसीविंग पार्टी है उसके ऊपर ये कोर्ट की मर्जी है। उसके बाद आ रूल फोर बात करता है फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरी रूल फोर में कहा गया है इंटेरोगेट्रीज शेल बी इन फॉर्म नंबर टू इन अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशन एज दर्कमस्टांसिस में रिक्वायर अब हमने कहा कि इंटेरोगेट्रीज तो भेजनी है पार्टीज़ ने दूसरी को अब वो किस तरह से तैयार करनी है रूल so, में उसका तरीका कार बता दिया है कि सीपीसी के एंड में जो अपेंडिक्स सी है जैसे हमें सीपीसी के एंड पे प्लेन की ड्राफ्टिंग का तरीका कार बताया गया है वैसे ही इन इंटेरोगेट्रीज को तैयार करने के लिए भी कहा गया है रूल फोर कहता है कि अपेंडिक्स सी के जो फॉर्म नंबर टू है उस फॉर्म के अंदर हमें इन को तैयार करने का प्रॉपर तरीका अकॉर्डिंग so, हमने अपना यह सवालनामा तैयार करना है उसके बाद आ जाती है रूल फाइव के ऊपर रूल फाइव बात करता है कॉरपोरेशन की कि जहां पर अगर ऑपोजिट पार्टी कोई कॉरपोरेशन है तो उसको आप क्वेश्चन कैसे भेजोगे या किसको भेजोगे सो वेयर एनी पार्टी टू द सूट इज कॉरपोरेशन और बॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इन कॉरपोरेटेड और नॉट जहां पर पार्टी टू द सूट कोई कॉरपोरेशन है यानी जो कोई आर्टिफिशियल पर्सन है या एक से ज्यादा लोग हैं कि पार्टनरशिप है तो हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू सू और बी सूड वेदर इन इट्स ऑन नेम और इन द नेम ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन एनी ऑपोजिट पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अलॉइंग हिम टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज टू एनी मेंबर और ऑफिसर ऑफ सच कॉरपोरेशन और बॉडी एंड ऑर्डर में बी मेड अकॉर्डिंगली सो जब अगर आपकी ऑपोजिट पार्टी कोई कॉरपोरेशन है या एक से ज्यादा लोग हैं और उनको आप कोई इंटरोगेटरीज भेजना चाहते हो कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्या क्या करोगे आप कोर्ट को अप्लाई करोगे और कोर्ट से आप परमिशन लोगे कि हम इस कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं या जो मेंबर्स हैं हम उनको ये क्वेश्चन या इंटेरोगेटरी भेजना चाहते हैं तो फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखते हुए जो भी ऑर्डर उसको मुनासिब लगेगा इससे रिलेटेड वो ऑर्डर पास कर देगी अब चाहे वो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करती है या डिनाई करती है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट उसके बाद आ जाती है रूल नंबर सिक्स के ऊपर रूल सिक्स बात करता है

अब रूल सिक्स कहता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंटेरोगेटरीज भेज दी अगर तो सेकेंड पार्टी को इन इंटेरोगेटरी के ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है अब चाहे वो कह रहे हैं कि इस में जो क्वेश्चंस क्वेश्चन है वो हैं, हैं, वो वो बोनाफाइडली नहीं पूछे गए वो सूट से रिलेटेड नहीं है या कोई भी ऐसा मैटर है कोई भी और ग्राउंड है जिसके ऊपर वो पार्टी ऑब्जेक्शन रेस कर रही है तो ये जो पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेस करनी है रूल सिक्स कहता है ये ऑब्जेक्शन एक एफिडेविट के ऊपर आ आपने इनको रेस करना है और वो एफिडेविट फिर आपने कोर्ट में सबमिट करना है अपनी रीजंस रिकॉर्ड करने के साथ उसके बाद है रूल सेवन रूल सेवन बात करता है सेटिंग अ साइट एंड स्ट्राइकिंग आउट इन टेरोगेटरीज अब ये जो रूल सेवन है ये बेसिकली डील कर रहा है रूल सिक्स के साथ उसी की जो है आगे बताया गया है Any interrogatories may be set aside on the ground that they have been exhibited unreasonably, vexatiously, struck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary, scandalous, and any application for this purpose may be made within 7 days after service of interrogatories. Rule 7 एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंटेरोगेटरीज भेज दी अगर वो दूसरी पार्टी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेस करना चाहती है तो उसके पास सात दिन का टाइम है कि इंटेरोगेटरीज मौसूल होने के सात दिन के अंदर अंदर वो इनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेस कर सकती है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्कैंडुलस हैं वो अननेसेसरी हैं या कोई भी ग्राउंड ताकि अब उसका पर्पस क्या है ये ऑब्जेक्शन रेस करने का कि इन को स्ट्राइक आउट किया जाए या इनको किया जाए तो ये चीज़ उसने करनी है सात दिन के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्शन रेस करनी है उसके बाद आ जाते हैं हम रूल एट के ऊपर रूल एट बात करता है एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग अब इस रूल एट के अंदर जो आंसर की बात की है वो कितना ड्यूरेशन बताया गया है इंटेरोगेट्रीज शेल बी आंसर्ड बाहता है कि जब को मौसूल होगी तो उसने जो इनका जवाब देना है वो एक एफिडेविट के ऊपर देना है और 10 दिन का टाइम पीरियड होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर उसने इसका जवाब देना है या कोई भी और टाइम अगर कोर्ट उसको अलाउ करती है तो उस फिक्स टाइम के अंदर उसने जवाब देना है उसके बाद है रूल नाइन रूल रूल बात करता है फॉर्म ऑफ एफिडेविट इन आंसर एन एफिडेविट इन आंसर टू तो इंटेरोगेट्रीज शेल बी इन फॉर्म नंबर थ्री इन अपेंडिक्स विद सच वेरिएशन एस दर्कमस्टांसिस में रिक्वायर्ड अब पहले हमने बात की थी कि इंटरोगेटरीज को जो तैयार करना है वो भी आपको फॉर्म नंबर टू बताया गया है अब यहां पर बात की गई है कि जब आप इंटरोगेटरीज का आंसर दोगे एफिडेविट के ऊपर तो उसका तरीकाकार अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर थ्री में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर देना है उस तरीकाकार के मुताबिक आपने अपना एफिडेविट तैयार करना है नेक्स्ट है रूल टेन रूल टेन बात करता है नो एक्सेप्शन टू बी टेकन रूल टेन कहता है नो एक्सेप्शन शेल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर बट दि सफ़िशिएंसी और अदरवाइज ऑफ एनी सच एफिडेविट ऑब्जेक्टेड टू इज इनसफ़िशिएंट शेल बी डिटर्म बाय दी कोर्ट रूल टेन में कहा जा रहा है कि अब जिस एफिडेविट के ऊपर आपने अपनी इन इंटेरोगेटिव का आंसर दिया है अगर तो वो जो एफिडेविट आप लगा रहे हो जो स्टाम्प पेपर आप लगा रहे हो वो सही वाला नहीं है यानी कि वो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है जो अपेंडिक्स सी के फॉर्म में बताया गया है उस पैटर्न पर नहीं है तो ये चीज कोर्ट ने डिटरमिन करनी है ये तमाम जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर है कि आया ये एफिडेविट ठीक है या नहीं उसके बाद आ जाती है रूल अलेवन के ऊपर रूल अलेवन बात करता है ऑर्डर टू आंसर और टू आंसर फर्दर अब रूल अलेवन में क्या चीज कही जा रही है नी पर्सन इंटेरोगेटेड टू आंसर और पार्टी इंटेरोगेटिंग में अप्लाई टू दी कोर्ट फॉर एन ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और टू आंसर फर्दर एज द केस में भी अब यहां तक रूल इलेवन में कहा गया है कि आपने एक पर्सन को इंटेरोगेटरी भेजी उस पर्सन ने उसका आंसर देकर आपको एफिडेविट के थ्रू वापस भेज दिया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इंटेरोगेटरीज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पार्टीज ने पार्टी ने या तो उनको ओमिट कर दिया है सिरे से उनका जवाब नहीं दिया या अगर कोई जवाब दिया है तो वो इनफिशियंट है तो ये ये जो भेजने वाली पार्टी है कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगी और कोर्ट से ये डिमांड करेगी कि उस पार्टी को ऑर्डर किया जाए कि जिन क्वेश्चन का उसने आंसर नहीं दिया उनका वो प्रॉपरली आंसर करे और जिन क्वेश्चन का उसने इनसफिशियंट आंसर दिया है प्रॉपर जवाब नहीं दिया उनको भी फर्दर एक्सप्लेन करे अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट उससे चाहे तो वो दोबारा एफिडेविट पर उसके आंसर्स मांग सकती है या अगर वो चाहे तो उससे ऑरली भी इन चीजों पर जो उसने आंसर्स प्रॉपरली नहीं दिए वो ऑरली भी उससे ले सकती है जैसे भी कोर्ट उस पार्टी को डायरेक्शन देगी उस पार्टी ने उसी तरह करना है रूल so अलेवन में फर्दर आंसर भी अगर कोर्ट चाहे तो वो उस पार्टी से ले सकती है सो so ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑर्डर अलेवन के पार्ट वन के ऊपर दैट इज डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरी फ्रॉम रूल वन टिल रूल अलेवन नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे इनशाला जो के है डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट सो देट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेल देन अल्लाह हाफिज